मनावर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 139 जोड़ी परिणय सूत्र में बंद है। मुख्यमंत्री कन्यादान कार्यक्रम में हुए भ्रष्टाचार का धार महू सांसद छतर सिंह दरबार जनप्रतिनिधि व जनपद प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। मनावर जनपद पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह समारोह किया गया है, जिसमें 139 जोड़ी परिणय सूत्र में बंधे हैं। कन्यादान योजना अंतर्गत कन्याओं को दहेज भी दी जाने वाली सामग्री को लेकर धार सांसद छतर सिंह दरबार जनप्रतिनिधि व जनपद पंचायत प्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर द्वारा घटिया सामग्री खरीदने के आरोप लगाए हैं। वही मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह समारोह में बारातियों को खिलाए जाने वाले भोजन में ठेकेदार व जनपद सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया है। कन्यादान समारोह में भोजन की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उसमें मेन्यू अनुसार भोजन नहीं खिलाने व बासी खाना खिलाने को लेकर जनप्रतिनिधि व जनपद जनप्रतिनिधियों ने सीईओ व ठेकेदार से सवाल जवाब किए हैं। मनावर से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। लक्ष्मण सिंह इंडोर सीओ जनपद मनावर। इसमें 146 थे टोटल, उसमें 6 अनुपस्थित रहे और बाकी सब प्रेजेंट थे। जनप्रतिनिधियों ने जो आरोप लगाए मेनू अनुसार भोजन में व्यवस्था नहीं थी, क्या कहेंगे? नहीं, भोजन में तो ठीक है, भोजन चल रहा है, अभी भी चल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसमें एक कुर्सी और उसका बताया हमने, कुर्सी और ये आईएसओ मार्क नहीं है, तो उसको सामग्री को रोक दिया है और उसको टेंडर जो इनका हुआ उनको बुलाया है, अगर सामग्री गलत होगी तो इनको वितरण आज रोक दिया है। भोजन गुणवत्ताहीन था सर, भोजन भोजन में जो विज्ञप्ति में जो जारी मेनू हुआ है वो मेनू पूरा नहीं है, क्या कारण है? भोजन तो जो जिनका टेंडर हुआ था उसने यही भोजन बनाया है, मौके पे ही बनाया है और यहीं से उन्होंने व्यवस्था की, और कुछ व्यवस्था उन्होंने अलग से किया है, तो वो जो अभी जो भोजन चल रहा है उसमें सभी को खाना दिया जाएगा और जो शेष रहे उनको भी सभी को भोजन वितरण कर रहे किया जा रहा है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि 2 तरह की सब्जी है, मिर्ची का छोंडा है, कतरन नहीं बटी, तो क्या कारण है? कतरन वगैरह उनकी गलती थी, उस समय बांटा नहीं, लेकिन अभी फिर बाद में उन्होंने सब उनकी व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चालू कर दी। एक ही तरह की थी सब्जी? नहीं, 2 प्रकार की बनाई थी हमने, एक ही प्रकार की बटरी थी। हाँ, इसका वीडियो फुटेज सभी के पास है जो जनपद सदस्यों ने देखा, उसका जो टेंडर अनुसार उसने भोजन दिया है और अभी भी इसको जो अगर मान लीजिए कहीं इसने त्रुटि की है उसका अभी आहरण नहीं कहा गया। सर, मीडिया से दूरी बनाने का कारण क्या है, कहीं भ्रष्टाचार? मीडिया को, सभी मीडिया को आमंत्रण पत्र दिया गया था और जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको भी आमंत्रण पत्र दिया गया था और उनको सबको सूचना भी की गई थी। धन्यवाद। बड़े नेता को एक को निमंत्रण दे दिया जाए बाकी को छोड़ दिया, चलता है क्या? सभी सभी जनप्रतिनिधि में हमारे यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ पहुँचे, आरोप लगाए जो निमंत्रण ही नहीं मिला, सभी को निमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, उनके रिसीव भी लिया। धन्यवाद। सौरभ शर्मा, आज लगभग 139 विवाहित जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधे हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी कल बालीपुर धाम में पधारने वाले हैं, हम कल खुद दोनों मंडल अध्यक्ष और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण पत्र देने गए थे बालीपुर धाम में पधारने का, उस कारणवश से हम आज सुबह ही लौटे हैं और कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ आने के बाद हमने देखा है कि सरकार की जो जिस गुणवत्ता और महत्वता को लेकर के जो परिकल्पना थी मुख्यमंत्री जी की, उस आधार और मानक बिंदुओं पर विवाह योजना कार्यक्रम नहीं हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे फ्लैक्स कितना बड़ा होना चाहिए था, भोजन की अगर हम देख रहे हैं तो वेंडर जो विज्ञप्ति में लिखा गया है 2 प्रकार की सब्जी है, मिर्च का छोंदा है, उसके बाद पापड़ कतरन है, हमने जाकर के देखा वो नहीं है, पापड़ कतरन नहीं है, छोंदा नहीं है, भोजन की क्वालिटी नहीं है, तो ऐसे कई जो है अनियमितताएँ पाई गई हैं। क्या कुछ कार्रवाइयाँ होगी यहाँ पर अगर गलत? कल हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, आज हमने कलेक्टर और SDM को बताया है और कल माननीय मेरे दोनों मंडल अध्यक्ष सांसद महोदय जी के समक्ष भी ये विषय आया था। सांसद जी ने भी कहा है कि हम जांच करा करके अगर मानक स्तर पर सामग्री नहीं है तो उसका वितरण तत्काल सांसद महोदय जी ने रुकवा दिया है कि आज सामग्री का वितरण नहीं होगा, जाँच उपरांत ही अगर कमी पाई जाती है तो उसको रिटर्न करके और नई सामग्री गुणवत्ता युक्त वही हम नव दंपत्ति जोड़ों को देंगे। मेरा नाम विक्रम निंगवाल है, मैं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मनावर हूँ। उसमें भोजन की सबसे बड़ी अनियमितता रही है,
भोजन की क्वालिटी सबसे ख़राब रही है, जिसमें मेनू अनुसार भोजन नहीं मिला है, जिसमें पूड़ी सब्जी दो प्रकार की थी, सब्जी नहीं मिली, पापड़ कतरन नहीं मिली, मिर्ची का छोंदा था वो भी नहीं मिला। और मुख्यमंत्री जी जो स्वच्छता की ओर है, वहाँ पे ना तो कोई स्वच्छता थी ना कुछ भी नहीं, जहाँ वहाँ पत्तले पड़ी हुई थी। यहाँ पे मनावर सीओ के द्वारा जो टेंडर दिया गया है भोजन के लिए, वो एक संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि सीओ भी एक आदिवासी होने के बाद भी वो आदिवासियों के साथ ही हनन किया उन्होंने, ये उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।